मौत कड़वी है पर सच है, जिंदगी का बस यही एक सच है। मौत के अलावा इस दुनिया में कोई और सच्चा भी नहीं है। आज शायद कुछ ऐसी ही पंक्तियां सबके दिमाग में चल रही होगी, क्योंकि जब किसी का नजदीकी सब कुछ छोड़ के जाता है तो कुछ ऐसा ही होता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम सबके चहेते बलविंदर सफरी का निधन हो चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, भांगड़ा स्टार सिंगर बलविंदर सफरी आज सुबह ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं, और इस बात की जानकारी खुद उनके घर वालों ने दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें, बलविंदर के मरने की वजह उनके खुद की बीमारियां थी, क्योंकि अप्रैल में बलविंदर को दिल में परेशानी होने के कारण उनकी जांच कराई गई थी, जिसके बाद उनकी बाईपास सर्जरी हुई। लेकिन ये बीमारी का सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ, बल्कि उनको और घेरता चला गया, जिसके बाद बलविंदर को कई बीमारियों का सामना करने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि ऑपरेशन के बाद बलविंदर कोमा में चले गए। इसी दौरान किए गए सीटी स्कैन में ब्रेन हैमरेज भी नजर आ गया था। 86 दिनों से अस्पताल में भर्ती रहने के बाद हाल ही में उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद वे जिंदगी से जंग हार गए। आपको बता दें कि बलविंदर ने वे पाव भंगड़ा, चन मेरे मखना, यार लंगड़े जैसे सुपर डुपर हिट गानों से लोगों के दिलों में पहचान बनाई है, और अब यही गाने शायद सभी के मन में उनकी यादों को संजो कर रखेंगे। बलविंदर की डेथ का बड़ा झटका पंजाबी इंडस्ट्री को तो बखूबी ही लगा होगा, इसलिए कुछ स्टार्स ने उनके साथ बिताए गए लम्हों को याद करके अपनी आंखें नम कर ली है। सबसे पहले बात करें नीरू बाजवा की, तो उन्होंने कुछ लम्हों को याद कर इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर की है। तो वहीं गुरु रंधावा, जस्सी गिल और गुरदास मान जैसे कलाकारों ने आज बलविंदर सफरी के जाने पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया है, और ऐसे महान सिंगर को मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट की तरफ से भी श्रद्धांजलि। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी बॉलीवुड की सभी अप टू डेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।